हेलो एंड वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ द डेली डोज ऑफ करंट अफेयर दैट इज़ ऑफ 18 जुलाई 2023। और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमेशा की तरह। और आज भी हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को एनालाइज किया है और फाइनली आप लोगों के लिए न्यूज़ निकाल कर लेकर आए हैं। यूपीएससी के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस वालों को हमेशा की तरह मैं आज फिर कहता हूँ, सिर्फ आपको स्पोर्ट्स और स्कीम्स के रिलेशन न्यूज़ सुनने पड़ेंगे, बाकी आपका ये पूरा कवर कर देगा। नेशनल इंटरनेशनल के सारे न्यूज़ यहाँ पे कवर्ड हैं ऑलरेडी। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा जो सीरीज़ है दैट इज़ ऑफ करेंट अफेयर्स 18 जुलाई 2023। ठीक है, और सारे के सारे यूपीएससी पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का जो ये है इसे स्टार्ट कर लें। पहला जो क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है हमारा, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें। पहला, इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। किसी को पता है कि रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो डेफिनेटली वो उन्हें पता होगा कि इट इज़ इन राजस्थान। ठीक है, न्यूज़ जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है, देख ही रहे हो आप। दूसरा कह रहा है कि चंबल रिवर पासिस थ्रू दिस रिजर्व। नहीं, चंबल रिवर पासिस नहीं करती है। और हैबिटाइट ऑफ दिस रिजर्व इज डोमिनेटेड बाई डॉग ट्रीज। डेफिनेटली इसका हैबिटाइट जो है डॉग ट्रीज की वजह से है, करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, तो आगे देख लें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे क्या हुआ है। न्यूली नोटिफाइड, तो यहाँ देख लेते हैं, न्यूली नोटिफाइड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है उसने विटनेस किया है बर्थ ऑफ कब्स फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर आफ्टर ए टिग्रेस वॉज रिलोकेटेड टू द पार्क। एक्चुअली एक टिग्रेस थी, उसको रिलोकेट किया गया था, उसके बाद एक साल बीतने के बाद एक नया बच्चा वहाँ पर, मतलब इन लोगों को कब्स कहते हैं, तो एक कब का जन्म हुआ है। ठीक है, और ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में लाई करता है, ये याद रखिएगा, साउथ ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में लाई करता है। ठीक है, कहाँ? तो बूंदी, बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो कि है विद्यान और अरावली दोनों का एलिमेंट वहाँ पे है, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, मतलब विंध्यास हिमाचल का नाम, विंध्यास पर्वत का नाम सुना है ना आपने, और अरावली दोनों के दोनों का देखा जाए तो मिश्रित वर्जन कह सकते हो। ठीक है, और हाँ यहाँ एक क्वेश्चन था ना चंबल, ये मेज रिवर है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, दूसरी बात है कि इस एरिया को क्लासिफिकेशन 4A में रखा गया है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, और इसे सेमी एरिड जोन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सेमी एरिड जोन ऑफ इंडिया। देखो एक क्वेश्चन से आपका ज्योग्राफी का कितना सारा क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, फ्लोरा की बात करें तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट बहुत मिलता है। ठीक है, और फौना में बात करें तो लियोपार्ड्स, स्लॉथ बियर्स ईटीसी बहुत मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेस्टर्न हूलॉक गिबॉन के ऊपर, शायद उसका पिक्चर आपको देखने मिले, जहाँ तक हमें याद है हमने डाला था इसका पिक्चर। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने बताया था, वेस्टर्न हूलॉक गिबॉन। ठीक है, कह रहा है न्यूज़ द हिंदू से लिया गया, और इसके बारे में थोड़ा पहले बता दूँ क्या है। कंजर्वेशन स्टेटस जो है इंडिया का एप जो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट एप है। ठीक है, और ये काउज ऑफ कंसर्न है अभी फिलहाल, काउज ऑफ कंसर्न। ठीक है, एक ग्लोबल इवेंट में ये एप है एक्चुअली, ये हूलॉक गिबॉन्स जो है एक हेल्ड हुआ था रिसेंटली। ठीक है, उस पे चलिए तो न्यूज़ को थोड़ा सा, ये जो एप है इसी को बोलते हैं, न्यूज़ पहले देख लेता हूँ तब तो आप लोग को समझने में इजी होगा। ये जो बंदर दिखाया आपने इसको वेस्टर्न हूलॉक गिबॉन भी कहते हैं। इट इज फाउंड ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है,
और दूसरा कह रहा है कि इट इज़ कैटेगराइज एज इनडेंजर्ड स्पीशीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट, डेफिनेटली इंडेंजर कैटेगरी में भी आ गया और ये वेस्टर्न हिमालयन में नहीं, और भी जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश नॉर्थ वेस्ट में हमारे सब में भी पाया जाता है ये। चलिए तो शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि कंजर्वेशन स्टेटस में जो है ये को थोड़ा सा इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है, डेफिनेटली टेंशन वाली बात है। और दूसरा ये इकलौता एप है जो इंडिया में पाया जाता है, नेटिव है बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिलता है म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना में भी मिलता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट है सारे एप्स का गिबॉन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने से पसंद है और साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी ये देखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो 20 गिबॉन स्पीसीज में से एक स्पीसीज ये भी है। ठीक है, 20 गिबॉन स्पीसीज जो अर्थ पे पाया जाता है उसमें से एक स्पीसीज है। और अगर एक खतरे के निशान के ऊपर चला गया, मतलब कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में चल गया, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, तो समझ लो कि जिस हिसाब से हम ह्यूमंस हैं ख़त्म करके ही मानेंगे इसे। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया तो बहुत चिंता वाली बात है, और IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है ये अभी, वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है, आउटसाइड इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में भी ये पाया जाता है। अब आते हैं हम नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट में समझ लेना इसे, ये एक्चुअली बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जो देख रहे हो ना यही है नोमैडिक, मतलब कुछ मिलता है उसका पिक्चर आप लेके आओ। ठीक है, ये भी है तो समझ में आता कि बायोमेट्रिकल मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच हुआ था, चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके से, इंडिया वर्सेज मंगोलिया के बीच में हुआ था। और ये नोमैडिक एलिफेंट 23, ठीक है, और ये 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई 2023 को ख़त्म होगा। ये हो कहाँ रहा है इसके ऊपर थोड़ा न्यूज़ आ गया, उलान बातर में हो रहा है ये। ठीक है, ये याद रखना है। और ये 15th एडिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 15th एडिशन है बायलैटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, और एनुअल ट्रेनिंग इवेंट जो मंगोलिया के साथ होता है। ठीक है, वो कभी मंगोलिया तो कभी इंडिया में होता है। ठीक है, सोल्जर जो है मंगोलियन आर्म फोर्सेस यूनिट 084 के, ठीक है, और इंडियन आर्मी सोल्जर्स जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है, दोनों मिलकर साथ हैं, तांडव छोड़ती है ये, मान के चलो सीधा तांडव ही करेंगे और क्या। और इसके बाद जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, हमारे एनिमी कंट्रीज, उनका हालत ख़राब हो जाता होगा इतना सारा मिलिट्री एक्सरसाइज देख देख कर। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं पीएम मित्र स्कीम के ऊपर, इस पर कोई फोटो नहीं है तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मित्र स्कीम, ठीक है, पीआईबी का है, जैसे हमेशा बताता हूँ कि क्या करना है पीआईबी के न्यूज़ को सुन के, बस एग्जैक्टली वही करिएगा आज भी। इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन, ठीक है, सो इट इज इन करेक्ट। दूसरा कह रहा है इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अरे ये भी पता नहीं गलत है, डेफिनेटली दोनों के दोनों आंसर गलत है। रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ देख लेते हैं स्टेटमेंट पर, रिसेंटली प्रधानमंत्री जो है इंडिया के, ठीक है, उन्होंने रखा है फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, एक तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, किसके तहत, तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिजन एंड अपरल्स, पीएम मित्र स्कीम के तहत, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मदद मिलेगी, इंटीग्रेटेड
टेक्सटाइल वैल्यू चेन, ठीक है, फ्रॉम स्पिनिंग, व्यूइंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। बट फंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, 500 करोड़ पर पार्क, द पार्क SPV, ठीक है, 500 करोड़ इस लेवल का फंडिंग होगा। नोडल एजेंसी देख लीजिए, जैसे मान के चलिए तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की नोडल एजेंसी और नहीं है इसका। और दूसरी की बात करें तो 300 करोड़ का भी एक पर्क रखा गया जिसको कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका एक्चुअली पार्क स्टार्ट करने का प्लान कहाँ कहाँ कर रखा है, वो ये देख रहे थे, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नाम सुनते जाओ दिख नहीं रही है तो, यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सी कार्डेस, बहुत सुंदर लग रही है एकदम, इंसेक्ट या बटरफ्लाई कर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंटली एक फॉरेन सिकाडा, ठीक है, ये पाई गई है साउदर्न पार्ट इंडिया में, इसीलिए भी ये न्यूजीलैंड में आ गई है, ठीक है। थोड़ा न्यूज ही पहले देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पॉसिबल फॉलोइंग स्टेटमेंट, दीज आर हेमीटेरियन इंसेक्ट्स नोन फॉर देयर लाउड कॉम्प्लेक्स स्पेसिस स्पेसिफिक सिग्नल्स, ही करेक्ट है, दीज आर ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक, नहीं है फिर। हुआ क्या है कि इसीडर जो है, जो हेम्पीटेरियन इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका लाउड और कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक कॉस्टिक सिग्नल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सिकाडा के, तो एनुअल और एक पीरियोडिकल साइट टाइप सी है माने जाते हैं इसके, ठीक है। और जितने भी एनुअल और पीरियोडिक है उस 3,000 स्पीसीज को इसी के अंडर रखा गया। और दूसरा कि एक्चुअली ईच समर में ना, हर समर में इमर्ज कर जाता है अभी तक जो देखा गया है पैटर्न, ठीक है। और देखा जाए तो 7 स्पेसीज ऑफ सिकाडेसेस जो है वो पीरियोडिकल सिकाडेसेस है, ये याद रखिएगा। और बेनिफिट ऑफ सिकाडेसेस देखो तो प्रून मेच्योर ट्रीज एरेड द सॉइल करता है, वंस दे डाई देयर बॉडीज सर्व्स एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर ग्रोइंग ट्री, अगर मर भी जाए तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन के जाता है ये, ऐसा ही नहीं है, हर चीज यार बेनिफिशियल है हमारे देश में, सोचो कितने महान बात है। और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। चलिए तो और तो कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ न्यूज़ के तहत फाइबोमायल्गिया, ये एक बार पढ़ लेना अपने से स्टेटमेंट फिर से तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ जो है निकल के आ रही है आपका फाइबोमायल्गिया, इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, ठीक है। और ये कहता है इट इज क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस दैट काउजेस पेन एंड टेंडरनेस थ्रू आउट द बॉडी, ये तो करेक्ट है। दूसरा, मेन आर मोर लाइकली टू डेवलप फाइब्रोमायलिया देन वुमेन, ठीक है। चलो कोई तो बीमारी है जो जिसमें थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, फाइब्रोमायलिया जो है एक एलिवेटेड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी है, जो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके, ठीक है, इन्फेक्शन या पर्टिकुलर सुसाइड या फिर पूल डेटा एनालिसिस के वजह से। अगर बात करें तो फिमोगोलिया के बारे में, तो एक लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन है जो पेन और टेंडरनेस पूरे शरीर में सालों भर कायम रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म
हेल्थ कंडीशन, ठीक है। और इससे क्या होता है, मस्कुलर स्केल्टन जो है वो सब पेन और फटीक होने स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई क्योर नहीं आया है इसका, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेडिकल जो मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट हुए, पर अभी तक पर्टिकुलरली कोई ना ट्रीटमेंट आया है ना प्रॉपर कोई क्योर आया है इसका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखें। नेक्स्ट न्यूज़ जो है अलास्का पेनिनसुला से, वो आपको जरूर दिखेगा फोटो उसका, यहाँ पे आपका अलास्का पेनिनसुला ढूंढ लो कहाँ है एग्जैक्टली। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इट इज़ अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लोकेटेड इन द साउथ, लैंड लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ अलास्का। इट सेपरेट्स द पैसिफिक ओशन फ्रॉम द बेरिंग स्ट्रिप। तो दोनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बेरिंग सी देखना भूल गया, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट सेपरेट द पैसिफिक ओशन फ्रॉम द बेरिंग सी, डेफिनेटली ये सेपरेट कर देता है। दूसरा, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ अलास्का। अलास्का से आप मेरे को बता सकते हो कि रशिया की दूरी कितनी लगती है, आप अलास्का से रशिया कितने किलोमीटर दूर होगी। एनी केसेस, अगर ये लेक्चर सुन रहे तो सर उठा के देखो, मैप अगर सामने तो दिख जाएगा आपको अलास्का और यूएसए कितना ज़्यादा नज़दीक है। तो आप चाहो तो रशिया में भी रह के अमेरिका को देख सकते हो। वह क्या है, रिसेंटली 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थवेक रिसेंटली स्ट्रक हुई थी अलास्का पेनिनसुला रीजन में, ठीक है। और लोकेशन की बात करें तो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है यूएस स्टेट ऑफ अलास्का में पाई जाती है, ठीक है। और तो कुछ देख रहा हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी ये सब तो आप खुद ही कर लोगे, न्यूज़ में क्यों था वो बताना ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ का इधर पढ़ लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पायलट व्हेल्स के ऊपर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको स्पर्म व्हेल्स के बारे में बताया था, ये है पायलट व्हेल्स, ये डॉल्फिन में जो लग जाए समझ लो भाई, डॉल्फिनों भी है। चलो फोटो नहीं मिली तो हमने चिपका दिया था शायद। NDTV.com से लिया गया न्यूज़ है, ठीक है। कह रहा है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द डॉल्फिन फैमिली, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, दे आर मोर देन 20 स्पीसीज ऑफ पायलट व्हेल्स, ये 100% करेक्ट है। दे लिव इन ग्रुप्स नंबरिंग फ्रॉम डजन्स टू 100, ठीक है। तो ये भी 100% करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ है, 68 लॉन्ग फिन पायलट व्हेल्स जो है, ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ। 68 लॉन्ग फिन पायलट व्हेल्स जो है एक स्पेसिस है जो ओशियनिक डॉल्फिन भी कही जाती है, ठीक है। उनको स्लॉटर किया गया है कहाँ, तो फायरो आइलैंड के पास, ठीक है। ये याद रखना, स्लॉटर किया गया है तो कहाँ पे, तो कैपिटल ऑफ फैलो आइलैंड रिसेंटली, ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में आ गया। और पायलट व्हेल्स की बात करें तो ये एक पायलट व्हेल्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द डॉल्फिन फैमिली, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो राउंड बल्जिंग फोरहेड एंड, ठीक है, उतना तो मेरा जरूरत ही नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023। ये सब बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, एक बार इसे भी गो थ्रू कर लेना। नॉर्दर्न इंटरेक्शन, ठीक है, 2023 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द कंट्री, चाइना के द्वारा हुआ था। क्या हुआ था कि चाइनीज
नेवल फ्लोटिलिया रिसेंटली सेट ऑफ टू जॉइन रशियन नेवल एंड एयर फोर्सेस, ठीक है, इन द सी ऑफ जापान, ठीक है, क्या चीज़ के लिए? तो नॉर्दर्न इंटरैक्शन, तो 2023 क्योंकि एक मिलिट्री डील है, ठीक है, इसीलिए। और नॉर्दर्न इंटरैक्शन 2023 मिलिट्री डील जो है वो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नॉर्दर्न थिएटर कमांड इन द सेंट्रल सी ऑफ जापान में ये मतलब ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। और ये ड्रिल जो है इसका थीम रखा गया था सेफ गार्डिंग द सेफ्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम रूट्स, ये याद रख लेना, सभी एक्सपेंशन देख रहे हो, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। reuters.com के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टिंग एजेंसी। और तो कुछ बताने लगे है नहीं, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, अब किसी को थाईलैंड जाना हो, फिकरनाथ कोलकाता के रास्ते इंडिया एक रूट ही बना दे रहा है, आराम से कार चुकाओ और चले जाओ, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, हाईवे इस टाइम में डिस्टेंस ऑफ 500,000 किलोमीटर, नहीं आ रहा सर, लेकिन करेक्ट इट इज 1,360 किलोमीटर। ये न्यूज़ जो है अब चर्चा में आते जा रही है, क्या जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड इज करेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम मोरोई मणिपुर एंड पासिंग थ्रू म्यांमार बिफोर रीचिंग द नॉर्थ सेम थाईलैंड। और तो कुछ इसमें बढ़ा नहीं हो, चलिए तो ये बस याद रखिएगा कि एक एक्सटर्नल मतलब ये है, ठीक है, अगर अच्छी बात है कि हम अगर जो तीनों जगह को जोड़ रहे हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी से ज़्यादा कुछ बताने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ था, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। एंड हमेशा की तरह आज भी कहूँगा एडिटोरियल पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल।